أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طب أيوه ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फवक्तन हमारे पास पाकिस्तान से और कभी इंडिया से मुख्तलिफ उलमाए किराम हमारे पास तशरीफ़ लाते रहते हैं और हम इन उलमाए किराम से दीन की बातें सीखते हैं। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा करम और बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये एक प्लेटफॉर्म दिया है। यहाँ पर हमें अल्लाह का कुरान सुनने को मिलता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनने को मिलती हैं। इंसान के लिए बिलखुसूस इस मुसलमान के लिए इसकी कामयाबी इसी चीज़ में है कि ये अल्लाह के दीन को सीखे, अल्लाह के दीन को समझे और फिर उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करे। ये सारी इंसानियत का भला इसी चीज़ में है और जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है या जो मुसलमान हैं उनके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सबील, ये एक रास्ता पैदा हो चुका, अल्लाह ने उन्हें हदायत अता फरमा दी। हम इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। आप देख लीजिए दुनिया में कितने मजाहब हैं, बुतों को पूजने वाले, मिट्टी के बनाए हुए, अपने हाथों से बनाए हुए वो मूर्तियां, वो बुत, उनके सामने लोग माथा टेकते हैं, उन्हें सजदा करते हैं और अपना माबूद समझते हैं। और हम पर अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि हम अल्लाह के घर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और उन मस्जिदों में हमारी पेशानी झुकती है तो अल्लाह के सामने झुकती है। ये उस खालिक का, उस मालिक का हम पर कितना बड़ा एहसान और कितना बड़ा करम है। अब इस चीज़ को कायम और दायम रखने के लिए भाइयों, अपने इस मजहबी फरीजा को अदा करने के लिए, अपने इबादात को बेहतर करने के लिए, अपने अकीदे को बेहतर करने के लिए, अपने अमल की इस्लाह के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इल्म से और अहले इल्म से जुड़े रहें। हम इल्मी मजालिस में बैठें, उलमाए किराम को सुनें, मुख्तलिफ उलमाए किराम उनकी नसीहतें और उनकी तकरीरें हम सुनें ताकि उसके ज़रिए हमारा इल्म बेहतर हो, हमारी इल्मी जो सलाहियत है उसमें इजाफा हो। भाइयों जब इल्म नहीं होता तो फिर उसकी जगह जहालत लेती है और जब जहालत होती है तो उस जहालत की बुनियाद पर इंसान से फिर कुफर भी होता है, शिर्क भी होता है और बड़े बड़े गुनाह भी होते हैं। और जब इल्म हो तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों के खतरात कम हो जाते हैं, इंसान कुफर और शिर्क से बच सकता है और अपने आप को बिदात से बचा सकता है।
اور اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا سکتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا ہے احسان کہ الحمدللہ ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں، یا ہم اس بات کا الحمدللہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر عبادت کرتے ہیں تو صرف اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس عبادت کے معاملے میں یقیناً ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارے اندر سستیاں ہیں، ہمارے اندر تساہل ہے، ہمارے اندر بعض اوقات ایسی کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جو ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تقوی کے اعتبار سے ہم بہت کم ہوتے ہیں، جس تقوی کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ تقوی ہمارے اندر نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کیسا ڈرو؟ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو تقوی کی بہتری، عمل کی بہتری، فرما برداری، میرے بھائیوں ان چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مسلمان اللہ کے دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں، ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ جب ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوگا، جب ہمارے پاس اللہ رب العزت کی وحی کا علم ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، یہ چیزیں جب ہمارے دامن میں ہوں گی تو باذن اللہ ہمارے اندر تقویٰ بھی آئے گا، ہمارے عمل کے اندر بھی بہتری آئے گی۔ ہم اپنی ان چیزوں سے، اپنے تقویٰ اور اپنے عمل کی بنیاد پر اپنے خالق کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اصل مطلوب و مقصود یہی ہے کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بھائیو، اب میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بغیر کسی تاخیر کے ہمارے انتہائی قابل احترام مہمان فضیلت الشیخ عبد الرحیم کلیم حفظہ اللہ تعالی، جیسے کہ آپ ان کی شخصیت سے واقف ہیں، پاکستان میں الحمدللہ شیخ محترم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، وہاں پر شیخ اپنا ایک مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، اور اسی طرح ملک کے مختلف حصوں میں جہاں کہیں بھی شیخ کو دعوت دی جاتی ہے، ملک کے مختلف حصوں میں جا کر اللہ کے قرآن کا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کے ان کے سینوں کو قرآن کا جو نور ہے اس سے منور کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس یہاں اکثر شیخ محترم تشریف لاتے رہتے ہیں، جب بھی سعودیہ میں آئیں تو ہمیں وہ وقت دیتے ہیں، ہم اس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ تو آج پھر وہ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں، بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ عبد الرحیم کلیم حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے کلام اللہ سے کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے یہی مقصد ہے زمانہ سے جہالت دور ہو جائے نہ رہ جائے میرے اللہ اللہ نہ رہ جائے اس دنیا میں کوئی نافرما محمد کا عاجز کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر واجب الاحترام معزز سامعین کرام آپ کو معلوم ہے جو گزشتہ دن پاکستان میں کیا ثانیہ ہوا ہے اور یہ حالات کیوں ہوتے جا رہے ہیں یہ معاملات کیوں ہیں اگر ہمیں فکر نہیں تو ہم انسان نہیں کیا ہمارے بچے نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں تربیت کی تعلیم کی قرآن و سنت کو زیور بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جتنی ہم دور جا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے مذہبی لوگ جو جنونی ہوتے جا رہے ہیں شاید دین ہی ایسا ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری مسجد کا مولوی جو سخت ہے ہمارا دین بھی شاید سخت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری مذہبی اور سیاسی جماعتیں جو سخت ہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتی ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید دین ہی سارا ایسے ہے اب یہ آپ کو سمجھنا ہوگا میں نے اپنا عنوان اس حادثے کی وجہ سے چینج کیا ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دین کیا ہے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قال حلک المتنطعون ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو متنطعون ہیں کون ہیں متنطعون سوال ہوتا ہے محدثین نے
इस सवाल का जवाब इस तरह लिखा है, कौन है मुतनत्तिउन? अल-मुशद्दिदून, तशद्दुद करने वाले, सख्ती करने वाले, करख्ती करने वाले और हर किस्म की संग दिल किस्म के लोग, जहालत के मामलात चलाने वाले, वो हलाक हो गए। कौन हो गए? वो कौमें हलाक हो जाती हैं जिनको दीन की आसानी का पता ना हो, कुरान की आसानी का पता ना हो, रसूल करीम की अल्लाह अकबर शरीयत की आसानी का पता ना हो। दीन कैसे आसान है? जैसे वाला कद यस्सर नल कुरान है। दीन कैसे आसान है? जिसकी मिसाल फ़क्रा माता यस्सर मिनल कुरान है। दीन कैसे आसान है? जिसकी मिसाल फ़क्रा माता यस्सर मिन हो। आप समझेंगे ये तो अरबी थी, हमारी तो समझ में नहीं आई। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान सुबहान अल्लाह ऐसा आसान है। कैसे आसान है? पढ़ने वालों के लिए, नसीहत हासिल करने वालों के लिए, समझने वालों के लिए। हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, आपके सामने एक आदमी धूप में खड़ा है। आप फरमाते हैं इस आदमी को बता दो कि धूप में ना रहे, साए पे आ जाए। जवाब मिलता है अल्लाह के हबीब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आदमी ने मन्नत मानी है। समझते हो मन्नत? इसने मन्नत मानी है तीन चीजों की। एक, सारा दिन धूप में रहेगा। दूसरा, किसी से गुफ्तगू और कलाम नहीं करेगा। तीसरी बात, सारा दिन रोजे से रहेगा। रहमतु आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो इसने मन्नत मानी है धूप में खड़ा रहने की, ये जहालत की मन्नत है। ये जो इसने मन्नत मानी है सारा दिन किसी से कलाम ना करने की, ये अल्लाह अकबर इस्लाम में नहीं है, ये भी जहालत की अलामत है। अब देखना कैसे आदमी धूप में खड़ा हो सकता है जब उसके सामने सच का ऐलान हो, अल्लाह का कुरान हो, हक का बयान हो, दिलों का नूर हो, जीने का शऊर हो, जिंदगी का दस्तूर हो, हयाती का मंशूर हो, अर्श से नाजिल होने वाला प्यारा प्यारा नूर भी उसके सामने आ जाए, फिर भी वो आदमी करख्त हो, सख्त हो, उसके खिलाफ करे, ये हो नहीं सकता। कुरान को तालीम सीखने की, कुरान को समझने की, हदीस के फहम की, अल्लाह अकबर तालीम हासिल करने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। हबीब करीम की तरफ कुरान आया, अल्लाह के प्यारे महबूब वला तुल्कू बिअईदीकुम इलत्तहलुका, आप फरमा दें जो बंदा अपने आप को अपने हाथ से हलाक करता है अल्लाह ने मना फरमा दिया है। हबीब करीम ने फरमाया मन दरबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दाब दावल जाहिलिया, वो लोगों अपने आप को मारना, गिरेबान को फाड़ना, बालों को खींचना, अपने अल्लाह पर अपने आप को पीटना, या जहालत की अल्लाह पर आहो फगा और नुहा करना, आवाज़ें निकालना, ये सारी की सारी चीज़ें वो लोग करते हैं जिनका मेरी जमात से ताल्लुक ही नहीं है। आदमी कैसे धूम में खड़ा हो सकता है जब दीन आसान है बिला वजह? अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाली जसदी का अलै का हक, वो लोगों तुम्हारे अल्लाह ताला ने जिस्म का हक बनाया है, वो हक क्या है कि बिला वजह आदमी धूप में रह जाए? नहीं नहीं, इंसान तो इंसान, हमारे महबूब करीम इतनी आसान है किसी जानवर के बारे में भी ये पसंद नहीं करते। चिड़िया जो है एक आदमी के सर पे फरफला रही है और वो आदमी उसके बच्चे लेकर फिरता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहाँ से ये बच्चे उठाए हैं? फलां जगह से, फलां घोंसले से। फरमाया वहीं जाकर छोड़ कर आओ, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता। जो चिड़िया के बच्चों को जुदा होता जो बर्दाश्त नहीं करते, तुम इंसानों के बच्चों के लिए दरिंदे बन जाते हो। ज़रा सोचो सोचो, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह आसान बनकर आए हैं। मैं हदीस से पेश करूँ या कुरान करीम सुनाऊँ? इतनी टाइम ही नहीं है। या माहौल में जो सदाकत है वो सुनाऊं? अल्लाह सख्ती को पसंद नहीं करता।
आदमी नेकी का इरादा करे तो हुक्म होता है लिख लो, हबीब करीम फरमाते हैं लिखी जाती है। गुनाह का इरादा करे, अल्लाह फरमाते हैं ठहर जाओ, हो सकता है मेरा बंदा बाज आ जाए, मेरी जात से डर जाए। ये इस्लाम है, दीन तो आसान है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे रहम दिल हैं, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिल्त लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फद्दू मिन हौलिक। जाओ दुनिया में पैगाम दो कि मरकज तो ही डेरा गाजी खान से तालिब इल्म आया, आकर अपने परदेसी भाइयों को ये तालीम दे रहा है कि तमाम खुतबा आसान हो जाए, तमाम दीनी लोग आसान हो जाएं, जितनी आप बैठे हैं आप आसान हो जाएं तो इतनी लोग और सही अकीदा आपके साथ जुड़ जाएंगे, हर रोज आपके साथ मिलेंगे। कैसे? एक आदमी ने एक घोंसला उठाया, क्या उठाया? चिड़िया का घोंसला, और रहमत दो आलम को दिया। आप जा रहे हैं सफर पे, थोड़ा सा वो जला हुआ है, आप देखते हैं ये चिड़िया के घोंसले को किसने जलाया है, चिड़िया के घोंसले को किसने आग लगाई है? घोंसला है, बेजान है। तुम तो जानदारों पे आलसी असला बरसाते हो, सोचो जरा सोचो। अल्लाह के बंदो देखो ये दीन है, फरमाया जिसने ये काम किया है ये अल्लाह ताला अपने सिवा किसी को इजाज़त नहीं देता। अल्लाह ताला सिर्फ मुजरिम को सजा देगा आग की, किसी को इजाज़त नहीं कि अल्लाह की मखलूक को आग की सजा दे। ऐसा महबूब जो दुनिया में आया रहम दिल बनकर, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब आपके साथ अरबी आ रहे हैं, अजमी आ रहे हैं, फारस से आ रहे हैं, हबशा से आ रहे हैं, रोम से आ रहे हैं, रंगे जा रहे हैं, कि दूर तू आके तरवें दे कई नेड़े तसड़े मरवें दे, सिद्दीक जगह लख तरवें दे, अबू जहल जगह बुढ़ मरवें दे। अल्लाह ताला ने ऐसा रसूल भेजा है जो भी आ रहा है रंगा जा रहा है, तालीम हासिल कर रहा है कि इंसानियत को दीने का शऊर, जीने का शऊर मिलता है तो दीन इस्लाम से मिलता है, अल्लाह के कुरान से मिलता है, तालीम रसूल से मिलता है। आप देख लें महबूब करीम के घर में एक बुढ़िया आई, खातून आई, मेहमान आई, जयूफा आई, आपके घर में जब आई अम्मी जान फरमाती है अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे घर में जो मेहमान खातून आई है ये पूरे अरब में ऐसी खातून है सबसे ज्यादा नफली नमाज पढ़ने वाली। क्या करने वाली? हमारे यहाँ ये तकरार होता है ये ज्यादा नफल पढ़ते हैं ये कम पढ़ते हैं। अब सुनो हदीस रसूल, हबीब करीम ने फरमाया ए बुढ़िया ए मेहमान खातून ज्यादा ना पढ़, उतनी पढ़ जितनी अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, क्योंकि कुरान जो सिखा रहा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा। अब दूसरी बात सुनो, एक तो है बिला वजह अपनी जान पे जुल्म करना, दूसरी बात जहालत में जुल्म है। आपने देखा है ये फरीद की नगरी है हमने जूता नहीं पहनना, ये मुहर्रम है हमने चारपाई पे नहीं सोना, चारपाई उल्टी कर देनी है। ये अब जनाब इसने एक आदमी को मैंने देखा अपने डेरा गाजी खान में, उसने सारे जंजीर बांधे हुए हैं, 10 दिन मुहर्रम के रात दिन जंजीर बांधकर बेड़ी डालकर फिरता रहा। मैंने पूछा ये क्या है, कहते ये अपने गुनाह बशकवा रहा है, इसने कोई गलती की है। ये सारे जुल्म ये सारी ज्यादतियाँ जहालत में हैं। दीन तो ये कहता है इंसान नमाज में अगर तू खड़ा हो सकता है तो क़याम खड़े होकर कर, अगर खड़ा नहीं हो सकता तो बैठकर नमाज पढ़ेगा पूरा सवाब मिलेगा। मजबूरी की बुनियाद पर अगर तू बैठ भी नहीं सकता लेट कर इशारों से नमाज पढ़ेगा तो सवाब में फ़र्क नहीं आएगा। दीन में और बिदात में, दीन में और बेदीनी में, दीन में और जहालत में इम्तियाज देखना है तो आप अपने देश को देख लें। हमारे यहाँ जो आदमी फौत हो जाता है उसके जिम्मे ठेका है कि उसने पूरे मौजे को खाना खिलाना है, क्या करना है? ऐलान होता है आओ भाई जिसका बाप मर गया है उसके घर से खाना खाने आ जाओ, वरना वो बख्शा नहीं जाएगा।
अब इस्लाम से पूछते हैं, इन्नल लदीना याकुलूना अमवालल यतामा जुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। फरमाया यतीम के घर से आग के अंगारे तो खा रहे हो, ये चावल नहीं खा रहे, खाने नहीं खा रहे, यतीमों का माल खाने वालों सोचो। हबीबे करीम ने फरमाया आले जाफिर के घर में फौतगी हो गई है, इनके घर में खाना पहुँचाओ। तेरा मौलवी कहता है ले आओ। एक आदमी ध्यात में मैं था, चित्री एक इलाका है बलोचिस्तान और डेरा गाजी खान के दरमियान। वो कहने लगा कारी साहब हमने आपका बयान तो सुना है, लेकिन एक बात मुझे बताओ आपके अंदर और हमारे मौलवी के अंदर फर्क कितना है। मैंने कहा आप पढ़े हुए हैं? कहते पढ़े हुए होते तो सवाल पूछते। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये आपके मौलवी का और मेरा फर्क ये है, मैं कहता हूं जिसके घर में फौतगी हो जाए उन यतीमों को जाकर खाना खिलाओ। आपका मौलवी कहता है जिसके घर में बंदा मर जाए 40 दिन उसके घर से खाओ, मेरे लिए ले आओ वरना मुर्दा नहीं बख्शा जाना। कहते अच्छा ये फर्क है। मैंने कहा मौलवी के पेट का फर्क है ना, उसके पेट को कुछ तकलीफ आती है तो वो कहता है ये इनको आने ना दो, इनको सुनो नहीं, इनको समझो नहीं। अब देखो दीन क्या सिखा रहा है, दीन सिखा रहा है जैद का। वो तो बिदत की बात कर रहा हूं ना, वो तो बिदत है जो ये लोग करते हैं, कुलखानी करें, जुमेरातें करें, 40वें करें। लेकिन आपने बात आसान समझा दी, रोजेदार का रोजा अफ्तार कराने वाला उसको उसके बराबर सवाब मिलता है। कितनी अफ्तार कराए? फरमाया खजूर का एक दाना या आधे दाने से भी रोजा अफ्तार कराए तो उसकी इस्तात इतनी है अल्लाह उसको पूरा पूरा सवाब देगा। पानी के एक घूंट से रोजा अफ्तार कराए उसको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। दीन आसान है कि बिदत? दीन आसान है। वलकद यस्सरनल कुरान, कुरान कितनी आसान है देखो देखो। मैं कहता रहता हूँ लोगों आओ देख लो कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन कुरान आसान ही आसान है। कितनी आसान है देख लेना, ये कुरान इतनी आसान है जहाँ जाओ आपको कुरान फ्री में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जहाँ जाओ, जिस रूए ज़मीन पे जाओ, जहाँ जाओ। मैं पहले अल्लाह अकबर जाकर पूछता हूँ कुरान कहाँ है, बयान करने से पहले। वजह क्या है? वजह ये है रहमत। ये क्या है? तो मेरा इरादा होता है मैं अपने दोस्तों को ये कुरान दिखाऊं ताकि हमारे ऊपर भी अल्लाह की रहमत की बरखा बरस जाए। ये है रहमत। हम इस रहमत को छोड़कर अखबार तो पढ़ते हैं, ये है रहमत। हम इस रहमत को छोड़कर इसकी अजमत मैं क्या बयान करूं? इस रहमत को छोड़कर हम दुनिया के मामलात तो पढ़ते हैं, हम देखें बड़े बड़े खाते और बड़े कारखानों के कारोबार, बड़े बड़े मामलात, बड़ी रियाजी, साइंस, बायोलॉजी, कितनी लिखने में पढ़ने में बड़ी महारत रखते हैं। लेकिन देखना ये कुरान ऐसी कलाम है जो पूरी दुनिया में फ्री में मिलती है। किताब फ्री मिलती है, किताब, दुनिया की किताबें देखें हर 6 माह बाद निसाब तब्दील हो गया। अब छोटा प्रेप का बच्चा है ना, उसका बस्ता इतनी महंगा है, उसकी ट्यूशन फीस इतनी महंगी है, उसकी यूनिफार्म इतनी महंगी है, उसका दाखला फीस इतनी महंगी है, उसकी कन्वेंस खर्चा इतना महंगा है कि बाप कहता है मेरे पास तो इतनी तनख्वाह ही नहीं है, मैं आप बच्चे को कैसे पढ़ाऊँ? जवाब मिलता है तो दुनियादारी की तरफ जाना चाहता है तो तेरी मर्जी, तू आ मरकज तो ही डेरा गाजी खान में आ जा, जहाँ कन्वेंस भी फ्री मिलेगी, रिहाइश भी फ्री मिलेगी, इलाज भी फ्री मिलेगा, उस्ताद भी फ्री मिलेगा, निसाब किताब भी फ्री मिलेगी। अल्लाह ताला ने जो ज़रूरियात ज़िंदगी तेरी बनाई है क़ियामत तक दीनी मदारिस के तलबा को कोई महंगा नहीं कर सकता। आप देख लें जामे इस्लामिया में चले जाएँ, जामिया अब्दुल गसीम में चले जाएं, जामिया उम्मुल कुरा में चले जाएं, जितनी तालीम हो रही है दीनी भी दुनियावी भी फ्री में, सब कुछ फ्री मिल रहा है। ये क्या है? ये दीन है। दीन इतनी आसान है, इन दीन युसरन। दीन क्या है? लेकिन हम महंगाई की तरफ जा रहे हैं, इतनी महंगे वीजे जरूरी खरीदने हैं? एक बच्चे को पढ़ाओ उसको FA करा कर फिर इधर भेज दो, हाफिज कुरान बनाकर इधर भेज दो, जरूरी आपने महंगे वीजे खरीदने हैं? वीजे खरीदने का शौक है? आसानी आपको सुना रहा हूं, मशवरा भी दे रहा हूं, आप आसानी, चलो भाई हम जैसे हुए वैसे सफेद रिश हो गए। अब छोटे छोटे बच्चे आए, सफेद बाल आए,
अब तो हालात ये बने, रफीकान सफर जा पहुंचे अपने ठिकानों को, हमारी कूच की अब देखिए आती है बारी कब। बचपन खेल में गुजरा, जवानी ख्वाब में गुजरी, बुढ़ापा घर में आ पहुंचा, कलीम करेगा तू तैयारी कब। सफर दरपेश है ले साथ तोशाए मंजिल, ये है तोशाए मंजिल, क्या खबर है कि मलकल मौत की पहुंचे सवारी कब। अब देखना देखना अब तो कूच के अल्लाह पर नज़ारे सामने आ रहे हैं, ये तैयारी करने के लिए इशारे सफ़ेद बाल दे रहे हैं। दुनिया वालों को समझाया जा रहा है, लोगों दुनिया से मोहब्बत करने वालों दीन की आसानी समझ लो, दीन कैसा आसान है। फरमाया ऐसा आसान है कि अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, दुनिया वालों को सिखा दिया, क्या फरमाया, वल कादिमीन अल गैज वल आफीन अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आपकी मोहब्बत की तो मैं दाद नहीं दे सकता, अल्लाह आपको अजर देगा। जिस मोहब्बत से आप लोग तशरीफ लाए हैं, अपने काम छोड़कर डिप्टी का दे रहे हैं, डिप्टी छोड़कर आप माशाल्लाह इतनी ज़्यादा तादाद में हद्दे निगाह तक सारे मेरे परदेसी भाई बैठे हैं, लेकिन मैं आपको अपने सदके दिल से मशवरा दे रहा हूँ, दीन इतनी आसान है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इसने जो मन्नत मानी ना कलाम ना करने की, ये कलाम ना करना ये जहालत है। कलाम ना करना हमें समझ नहीं है, बाप के बाद बाप का भाई, माँ के बाद माँ की बहन, खाला मोहतरमा, लेकिन हमारी खाला से गुफ्तगू नहीं है, बेटे से बात है तो बेटी से बात नहीं है, गुस्सा हमारा जाता ही नहीं है। मरते दम हमारे यहाँ लोग वसीयत करके, ख्याल करना इसको नहीं बुलाना, मेरी मैयत में नहीं आने देना। तू अगर बंदों को माफ़ नहीं करता, इतनी सख्त हैं, तो अल्लाह तुझे कैसे माफ करेगा। रहम करो तुम जमीन पर, अल्लाह ताला मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। फरमाया ये आदमी सिला रहमी नहीं करता, तो अल्लाह फरमाता है मैं भी रहमान हूँ, मैं भी इसको नहीं बख्शता। अब देख लो, बख्शिश चाहते हो, रहमान की रजा चाहते हो, तो अपने से कमजोरों को माफ कर दो। जोरावर को तो हर आदमी माफ करता है, जब बन कुछ नहीं सकता तो फिर कहते हम तो भाई क्या करें, हमारा सब्र है। सब्र का मकसद ये है, वाला मन सबरा वगफरा इन ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। एक सब्र करना, दूसरा दर गुजर कर देना, बख्श देना, माफ करना, ये दोनों अज़्म और हिम्मत के काम हैं। ये दीन सिखा रहा है मुसलमान कैसा होता है। मुसलमान वो है जो बदला भी ले सकता हो फिर भी माफ़ कर दे। फरमाया लोगों को अपना हक माफ़ कर देने वाला, सही बुखारी शरीफ में हदीस है, जन्नत के वस्त में अल्लाह उसको मकान देगा। हक अपना है, लोगों को माफ़ कर दिया है, अब उसको कहाँ टिकाना मिल रहा है, जन्नत के वस्त में। किस हदीस को पेश करूँ, किस बात को सुनाऊँ, इतनी बड़ा उन्वान मैंने शुरू कर दिया है। अल्लाह ये बात नहीं करते, कई साल हो गए अपने आप को बड़े नमाजी, बड़े तकवे के डिप्पू, बड़े अपने आप को अहले सुन्नत अहलुल हदीस मुसलमान कहते हैं, हमारे देश वाले लोग जिंदगी भर बाद लोगों से, मुसलमानों से कलाम तक नहीं करते। फरमाया इनको बता दो, कुलू लिन्ना से हुस्ना, कुलू लिन्ना से हुस्ना, कूलू कौलन सदीदा, वो लोगों से अच्छी बात करो, सीधी सादी सच्ची बात करो। रहमत दो आलम से जनती शख्स के बारे में पूछा गया, फरमाया जिसकी जबान से किसी को तकलीफ नहीं, जिसके कौल फेल में तजाद नहीं, जो आदमी लोगों को खाना खिलाता है अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल करेगा। अब देखना जिसके कौल में शिर्क हो, जिसकी जबान में बिदात हो, जिसकी जबान में गाली गलौज हो, जिसको अल्लाह पर इतनी ब्लड प्रेशर हो लोगों को माफ ना कर सकता हो, वो अल्लाह का दोस्त कैसे हो सकता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन।
अल्लाह तो मोहब्बत रखता है, दोस्त बनाता है उन मोहसिनीन को जो अल्लाह के बंदों को दरगुजर करते हैं। ये दीन की आसानी है। अब आगे चलती हैं। हदीस मुबारका में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जामे दलाल समझाए हैं। जराबियुन फबाल फिल मस्जिद, एक अराबी आदमी आया रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में दर्स दे रहे हैं, सहाबा तालीम हासिल कर रहे हैं, महबूब करीम के यार दीनदार दीन की बहार भी मौजूद हैं। उस आदमी ने दिन दिहाड़े मस्जिद के सेन में खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया। अब हदीस बुखारी शरीफ में है, महबूब करीम के यारों का इरादा बनता है इसकी कोई खिदमत करें, क्या करें? हमारे लोग कहते हैं ना, एक हाथ लगा देंगे जिंदगी भर याद करेगा, क्या कहते हैं? इन्होंने सब कुछ कलाशन को समझा है, इन्होंने सब कुछ लाठी को समझा है, इन्होंने सब कुछ हाथ को समझा है। हालांकि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को लाठी नहीं दी, हाथ देने के बावजूद अल्लाह ने किताब दे दी है। या यहया खुदिल किताब, ओ मेरे प्यारे यहया किताब पकड़। ए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कलब अतर पर नुज़िल अला मुहम्मद व हुवल हक मिन रब्बिहिम, ऐसी किताब आई, अल्लाह का खिताब आया, सच का ऐलान आया, हक का बयान आया, प्यारा कुरान आया। दुनिया वालों को अल्लाह रहमान ने सिखाया, जब कुरान जो सिखा रहा है तो मुस्तरा जिंदगी बसर करो। अल्लाह तेरा कलाम हमें क्या सिखा रहा है, अब देखना, देखते जाना। अल्लाह अकबर। हबीब करीम रहमती दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यारों को क्या कहा? स्त्री इजलिस, बैठ जाओ, कुछ नहीं कहना। वो बैठ गए। अब इताअत थी ना उनमें। जब वो आदमी फारिग हुआ तो आपने फरमाया तालिया शबाब, आया आपने प्यार से नाम पूछा, मोबाइल बंद करो, प्यार से नाम पूछा, फिर मकाम पूछा, फिर उसको हिदायत के लिए, तालीम के लिए, तरबियत के लिए प्यार से समझा दिया। क्या समझा दिया? ये है मुअल्लिम, ये है उस्ताद, ये है मुदर्रिस। وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, सुभान अल्लाह, जो किताब का सबक देता है और हिकमत का सबक देता है। وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ये रसूल इतनी आसान बनकर आया है जिसकी आमद से पहले तुम जहर जहूर खुल्लम खुल्ला गुमराह थे। وَذِكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حفرت من النار, तुम आग के गड़े के करीब पहुंच, करीब था गिरने वाले थे, लेकिन एक ऐसा रसूल आया, आदान अदावतें थी, बस्ती सफा हस्ती से खत्म हो रही थी, एक एक कत्ल के बदले में पूरे पूरे कबाइल खत्म हो जाते, लेकिन रहमत दो आलम आए, आकर सिखा दिया, आसानी समझा दी कि लोगों अल्लाह तुम्हें माफ करेगा, तुम बंदों को माफ कर दो, दरगुजर कर दो। ऐसा रहमती दुआलम आया कि उसकी सीरत मुबारका को तो देखो, वो कितनी रसूल आसान है, सुभान अल्लाह। मैं तो सोच रहा हूं, उधर टाइम देखता हूं, इधर अपने आप को देखता हूं, उधर उनवान देखता हूं, तो मेरा तो जी चाहता है सारी रात बयान करूं। सुनोगे? अल्लाह के बंदो देखो, उधर आपके प्यार को देखता हूं, उधर मैं देखता हूं इधर के मशायख मेरे ऊपर नाराज ना हो जाएं, क्योंकि ये 20 मिनट का तो खुतबा देते हैं, 10 मिनट बयान करते हैं, और बात भी यही सही है, थोड़ी बात हो ज्यादा याद रहती है। दुआ करो मुझे भी अल्लाह क्लोज करने की, उनवान को छोटा करने की, मुख्तसर बयान करने की तौफीक बख्शे। मैं अपनी कोशिश में हूं। देखिए रहमत दो आलम से जहल ने सख्ती की, क्या की? या अय्युहा المدثر قم فأنذر وربك فكبر, ए प्यारे महबूब, कुरान भी आ जाए, दूसरी वही आई, पहली वही जब आई आप आकर आराम करने लगे, जैसे सोने लगे, कंबल ओढ़ा हुआ है, उधर से फिर जिब्राइल आए, कुम कुम
समझते हो ना, गुम कहते हो तो उठो, अल्लाह तेरा महबूब है, हमारा कोई महबूब हो, हम उसको सो रहा हो तो इधर तो बड़े बड़े हाजी नमाजी तहज्जुद गुजार अपने बच्चे की रजाई सीधी करके नमाज पे चले जाते हैं, बाद में कहते हैं बच्चा जो है जी 25 साल उम्र है, अभी बच्चा है, ये तो कब्र आएगी आपको पता चलेगा ना कि तुमने बच्चों को क्या क्या तरबियत दी है, खुद तो नमाजी बना और बच्चे सारे बेनमाज, बेटी बेनमाज, बहू बेनमाज, घरवाली बेनमाज, अल्लाह के बंदो सोचो। अब कौम उठो, क्या करना है, फांदिर डराओ, कुरान आ जाए और आप सो जाए। अब रहमती दो आलम डिप्टी दे रहे हैं, डिप्टी दे दे कर ऐसी जगह पे पहुंचे, अल्लाह का कुरान हमें समझा रहा है, जहां तैफ वालों ने महबूब करीम के ऊपर पत्थरों की बरसात कर दी। मैं खुलासा अर्ज करूं, व इन्ना मीना शेरा लहिकमा, सही बुखारी शरीफ में ये इबारत है, लोगों बाद शेर व शेरी में हिकमत होती है। ये देखो पूरा तर्जमा कर दिया है, तड़प जाता हूँ जब ताइफ का मंजर याद आता है, जख्मों से चूर जिसमें पैगंबर याद आता है, तैफ वालों ने रसूलुल्लाह पर इस कदर पत्थर बरसाए, लहू बहने लगा जख्मी मुहम्मद हो गए प्यारे, सल्लल्लाहु जख्मी मुहम्मद हो गए प्यारे, हद नखला में जा पहुंची बहाले खस्ता ओ गमगीन, वहां चश्मे पे जाकर जख्म धोए पट्टियां बांधी, बचश्मे तर रसूलुल्लाह ने हाथ फैला कर दुआ मांगी, अल्लाह ताला का फजल मांगा, हुए तस्लीमो रजा मांगी, दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इन्हें नूरे बसीरत दे, इन्हें नूरे हिदायत दे, इलाही रहम कर को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली जमीन पर। तू तो कहता है इंतकाम नहीं लूंगा तो इसको माफ नहीं कर सकता, सारी जिंदगी तेरे मुकदमे खत्म नहीं होते। मेरी वालदा ने मुझे समझाया, जब दुश्मनों ने फैर लगाया, मैंने सुनाया दुश्मन तक के फैर चलावन, कलीम नु पयो मार मुकावन, अल्लाह सुना जै को जिंदगी देवे कोई भी मार न सकदा है। वालदा कहने लगी हमारा मुकदमा अल्लाह की अदालत में है, हमारे पास इतनी टाइम नहीं है, आप अल्लाह के दीन का काम करो, अगर मोटरसाइकिल पे फैर लगता है तो आप गाड़ी ले लो, दीन का काम नहीं छोड़ना। ये तरीका मैंने फिर हदीस में बाद में पढ़ा कि मुझे समझ आता है कि वक्त बच जाता है, अगर कोई मुकदमेबाज बैठा है तो तौबा करो, मुदाई से अल्लाह मुलजम से ज्यादा मुदाई परेशान है, रोजाना वो कला फीस ले रहे हैं, मुंशी खा रहे हैं, रोजाना टैक्स खा रहे हैं, बार 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 20 साल तो हो गए, आपके केस कितने साल चलेंगे, मर जाओगे फिर आपकी औलाद के जिम्मे होगा, एक दिन होना तो फैसला है, तो अपनी जिंदगी में दरगुजर कर दो ना, ये दीन की आसानी का पैगाम है, करोगे ऐसे इंशाअल्लाह। मुकदमेबाज आदमी दीन की दावत का काम नहीं कर सकता, कैसे काम करेगा, वकील उसको कोई ऐसा पलंदा बना कर देगा, ये भी बयान करो, अब वकील आपको बना दे कि एक राइफल जो है वो इनसे बरामद करवाने के लिए आप पेश करो, मैं पेश करता हूं ये इनसे बरामद हुई है, तो वो कहेंगे ये कुरान उठाए, ये कहते हैं मैं उठा लेता हूं। अब ये कैसा मुकदमेबाज है, कैसा मुसलमान है, आसानी सीखो आसानी, और आसानी का क्या तरीका है,
रहमती दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतनी आसानी कर रहे हैं, पत्थर मारने वालों को दुआएं दे रहे हैं। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, इतनी आसानी कर रहे हैं। एक दिन सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला रोते हुए आए, अल्लाह के महबूब उधर मेरी माँ है, उधर आप हैं, एक तरफ आप हैं एक तरफ मेरी माँ है, अब मुझे बताओ मैं आपको तो नहीं छोड़ सकता, माँ को छोड़ सकता हूँ, मेरी अम्मी आपके बारे में गुस्ताखी करती है। क्या फरमा रहे हैं, हदीस को ज़रा पढ़ें। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरी अम्मी आपके बारे में गुस्ताखी करती है और रोने लगे, कहने लगे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो अल्फाज मैं दोहरा नहीं सकता, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता। देखना हालात और मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता, लेकिन देखना। हबीब करीम ने फरमाया अबू हुरैरा मैं तेरी अम्मी के लिए हिदायत की दुआ करता हूँ। आपको कोई पैगाम मिले, हाजी साहब आपको फलां आदमी गाली दे रहा है, आप फ़ोन पे उसको और 20 गालियाँ देंगे, तो फिर इधर बात सुनने का कोई फ़ायदा है? मैं इतनी दूर से पाकिस्तान से सफ़र करके आऊँ और मेरे वाज के बाद मेरी और मेरे भाइयों की तरबियत और तालीम ना हो, जिंदगी में तब्दीली ना आए, तो वाज का तो कोई फायदा नहीं। कुरान को गवाह बनाकर आपको सुनाऊं तो वाज का तो कोई फायदा नहीं। हाँ अबू हुरैरा तेरी अम्मी के लिए मैं दुआ करता हूँ। जब हबीब करीम ने दुआ की, सैयदना अबू हुरैरा फरमाते मैंने दौड़ लगाई, मैं ये देख रहा हूँ दुआ पहले पहुँचती है या मैं पहले पहुँचता हूँ। जब मैंने जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, अब देखना दुश्मन के लिए दुआ करना मेरे महबूब ने सिखाई है। इंतकाम नहीं लेना, एक गाली दे तो कहता है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अगर उन्हें हमारे किसी बुजुर्ग की बेइज्जती की तो हम इनके बुजुर्ग की कर देंगे। ये जहालत है। वो एक बुजुर्ग की इधर किसी आदमी ने जद्दा में कोई थोड़ी बहुत तोहीन की, उधर उसने फोन किया बुजुर्ग ने कि मैं इधर हूं, इनके बाप की आपने बेइज्जती करनी है। उन जैलू ने जाकर गाजी घाट में उसके बाप को कत्ल कर दिया। अब ये बताओ ये दीन है, ये तशद्दुद, ये लोग दीन नहीं समझते। करे कोई और सजा किसी और को दी जाए, जुर्म किसी का हो सजा छोटे बच्चों को दी जाए। अब देखना अबू हुरैरा की अम्मी जो दुश्मन भी है मुखालिफ भी है, आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं। अबू हुरैरा फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, इधर मैंने दस्तक दी तो मुझे अंदाज़ा हो गया मेरी वालदा मुहतरमा वजू कर रही है, गुसल फरमा रही है। फरमाया थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो मैंने जाकर अम्मी को जब मिला तो अम्मी की वो मिलने की कैफियत कोई और थी। कहती अबू हुरैरा मैंने वजू किया है, गुस्ल किया है, अब मैं आपके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हूँ, ईमान लाना चाहती हूँ, अबू हुरैरा मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। अब देखना ये दुआ की तस्वीर है कि नहीं। अल्लाह यरुद्दुल क़ज़ा इल्लत दुआ, दीन इतनी आसान है, कोई चीज़ अल्लाह की तकदीर को तब्दील नहीं कर सकती सिवा दुआ के। कौन सी चीज़ है दुआ? इतनी प्यारी चीज है, आओ आओ दुआ किया करो, अल्लाह सबको हिदायत दे दे, अल्लाह सबको मवाहिद बना दे, कुरान और सुन्नत की तालीम की अल्लाह रोशनाजी फरमा दे। या अल्लाह तमाम किस्म के बुग्ज़ अदावतें अल्लाह सब, अल्लाह नफरत हर किस्म की ख़त्म फरमा दे, अल्लाह मुसलमानों में भाईचारे की फिजा कायम फरमा दे, जितनी मजलूम हैं उनको जालिम के जुल्म से निजात अता फरमा दे, अल्लाह सबके नेक इरादे नेक मुरादें पूरी फरमा दे। दीन कितनी आसान है मैं सुना रहा हूं। हबीब करीम ने देखा उस आदमी ने मस्जिद में बोल किया है, हदीस सुना रहा था ना। अब फरमाया जब उसने अल्लाह फारिग हुआ तो उसको नसीहत की, जहां बैठने की जगह हो, जहां साया हो, जहां सायेदार दरख्त के नीचे या कहीं रास्ता हो, ऐसी जगह पे पेशाब करना, ये तो अल्लाह का जिक्र किया जाता है जहां आपने पेशाब किया है। आखरत का फिक्र, मरने की तैयारी, अल्लाह की यारी अख्तियार की जाती है, तूने कैसी नादानी की है। फिर फरमाया बरखुरदार तू जा सकता है, उसको जाने दिया, अपने यार को बुलाया, किसको बुलाया,
अपने यार को यानी सहाबी को, दीनदार को सहाबी को, दीन की बहार को सहाबी को, अपने यार को बुलाया। कौन है यार? जन्नत दी बिशारत दिती मुस्तफा है, रजा दी चिट्ठी आप भेजी अल्लाह है, मगर अज दा भंगी इनाते खफा है, दिसन जेंदे हाथ विच चिमटे मतारा, मैं सोने मुहम्मद दी जमात दी अजमत नू कीवें विसारा, दिता जितने चंदा उठा दिया कता तारा, जिन्ना दी है मेहनत लग्या अज बहारा। दुनिया वालों को समझाया जा रहा है वो ऐसे सहाबा हैं, जन्नत की उनकी टिकट जन्नत की रसूल ने उनके जेबों में डाल दी है, रजा के सर्टिफिकेट कुरान में आए हैं, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى। सिर्फ उलाई का बयान करूं तो वक्त बहुत ज्यादा दरकार है, लेकिन मैं जो बात सुना रहा हूं रसूल इतनी आसान है, मेहमान को मुसाफिर को परदेसी को नावाकिफ को तकलीफ नहीं देते, अपने यार दीनदार को जन्नत के सरदार को कह रहे हैं मस्जिद में धुलाई कर दो। क्या कर दो? उसने पानी का डोल उठाया और जाकर मस्जिद में सफाई कर दी। मैं अपने दोस्तों को एक मशवरा देता हूं, उस वक्त तक इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता, उसको दोस्त नहीं बनाता जब तक तकब्बुर खत्म ना हो। क्या खत्म ना हो? तकब्बुर मेरा उस वक्त खत्म होगा जब कोई देखने वाला नहीं है, मैं झाड़ू उठाऊं बुरश उठाऊं अल्लाह के घर की रात को सफाई शुरू कर दूं। चुदराहट खत्म। ये कौन है? मैं जी जनाब इतनी मालदार हूँ, शेठ साहब है, शेख साहब है, मालदार है, राणा है, राजा है, मलिक है, मियाँ है, ये जनाब चेयरमैन साहब है, ये फुलाएं, लेकिन अल्लाह के घर में जब झाड़ू देगा ना, नौकर भी मौजूद हैं, पैसे भी मौजूद हैं, क्यों झाड़ू दे रहा है? अल्लाह मैं तेरे घर के, अल्लाह तेरे घर के झाड़ूदारों में हूँ। मालिक फरमाएगा अच्छा तू इतनी मेरे घर से प्यार करता है, मेरे लिए तू आया है, तो अब जा मैं तेरे ने गुनाह सारे माफ़ किए, अब पहले देखो तकब्बुर को छोड़ो। क्यों? तकब्बुर ऐसी चीज़ है, इन्ना अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, दीन में मुतकब्बिर को अल्लाह पसंद भी नहीं करता, मोहब्बत भी नहीं करता। देखना सहाबी ने अल्लाह पर झाड़ू दिया सफाई कर दी, अब हुई बात आसानी वाली। यही हदीस है, इस हदीस के एंड पे आखिर में देखें, रहमतु दो आलम फरमाती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ मेरे यारो अल्लाह ताला ने, फिर सहाबा को मुखातिब करके तरबियत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तालीम दे रहे हैं, दीन की आसानी सिखा रहे हैं। ओ मेरे यारो दीनदारो दीन की बहारो, अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के लिए आसानी करने वाला बनाकर भेजा है, सख्ती करने वाला बनाकर। मैं तो कहता हूँ सख्ती वो करे जिसको सख्ती लेकर फिरती हो। आप जितनी सख्ती करोगे ना दिल का वाल बंद हो जाएगा, और सख्ती करोगे दिमाग की शरियान फट जाएगी, और सख्ती करोगे कोई और दिमाग ऐसी भी। आप डॉक्टरों को नहीं देखते, वो जब भी आप जाते हैं तो वो कहते हैं नमक ना खाया करें, गुस्सा ना किया करें। क्या सिखाते हैं? गुस्सा ना किया करें। हाजी साहब ये डॉक्टर अभी सिखा रहे हैं, दीन पहले सिखा रहा है कि नॉर्मल हो जाओगे खैरुल उमूर औसतवा, बेहतरीन मामला है म्याना रवि, ना ज्यादा गुस्सा तो ना बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा, कितना है नॉर्मल हो आदमी हर मामले में, हर हाल में, मेयार में, गुफ्तार में, अकवाल में, किरदार में, लेल नहार में, मामलात में, दीन में, इतनी अल्लाह पर ठंडा भी ना हो कि अजान होती रहे ये सोया रहे, जमात हो गई है बाद में कहते अच्छा यार अभी नमाज, जब सूरज निकल आए तो कहते अभी मैंने नमाज पढ़नी है, ये कैसा ही इबादत गुजार है। इतनी चुस्त भी ना हो कि सारी रात आधी रात तक 3 बजे तक तो ये सारी रात गेमे लगाकर और फंक्शन और इधर दौड़े लगा रहा है, गप्पे लगा रहा है, जब सारी रात चुस्ती दिखाई, जब नमाज का वक्त आया सुस्ती दिखा दी। ऐसा भी नहीं चाहिए, दीन को चाहिए ऐसा आदमी जो दीन की आसानी को समझे। अब देखें
قرآن کریم سے پوچھتے ہیں والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کتنی خرچ کریں, لم يسرفوا اسراف نہ کریں, زیادہ خرچ نہ کریں, ولم يقتروا جو بالکل خرچ نہیں کرتے وہ کون ہیں؟ کنجوس ہیں, بخیل ہیں. ایسے بخیل بھی نہ بنیں, کدھر جائیں, نہ زیادہ خرچ کریں نہ بخیل بنیں, دین آسانی سکھا رہا ہے. فرمایا وکان بین ذلک قواما. فرمایا قلو وشرابو ولا تسرفو. وہ لوگو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. کیا نہ کرو؟ یہ دین کی آسانی ہے. یہ دین میں اللہ تعالی نے اتنی آسان دین بنایا کہ دین سکھا رہا ہے نہ تو بالکل زیادہ خرچ کرو, نہ بالکل ہی تم اللہ اکبر کنجوس بنو, بلکہ خیر الامور اوسطھا. اب آپ دیکھ لیں فتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنی استطاعت ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ مسلط النساء میں گئے. کہاں گئے؟ ہمارے دیس میں تو عورت کو جماعت یا مسجد میں آنا یا نماز پڑھنے کی مولوی صاحب اجازت نہیں دیتے. اب دیکھو مولوی کیسا ہے جس کو مسائل کا پتہ نہیں ہے. انجن ایسے ہیں تو چھکڑے کدھر جائیں گے. انجن کا حال یہ ہے اذان پڑھنے پہ آیا ہے تو قبر پہ اذان پڑھ دی ہے. میں نے پوچھا اس کا ثبوت ہے؟ کہتے ہیں ایسے دیکھتے آئے ہیں, کسی کتاب میں بھی نہیں ہے, کسی خطاب میں بھی نہیں ہے. اب تو خوف ہوتا ہے کہیں عید پہ اذان نہ پڑھ دے, عیدین پہ اذان پڑھنے شروع کر دیں گے. اب تو فیصل آباد میں میلاد النبی پہ انہوں نے عید پڑھانا شروع کر دی. عجیب معاملہ ہے یہ. آپ دیکھیں ہمارے امام ایسے ہیں جن کو مسائل کا پتہ نہیں, تو یہ بیچارے چھکڑے طالب علم پوچھنے والے کدھر جائیں گے؟ سیکھو دین, سیکھو دین آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ عورتوں کی مسجد میں آپ تشریف لے گئے, سبحان اللہ, اللہ کے محبوب آپ کی گھر والی نے رسی باندھی ہے. فرمایا کیوں باندھی ہے؟ فرمایا یہ رات کو قیام کے لیے جب آتے ہیں تو مائی صاحبہ کہتی ہے جب تھک جائیں گے رسی کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اپنا سہارا لے لیں گے تاکہ بیٹھنا نہ پڑے. حبیب کریم نے فرمایا اس رسی کو کھول دو, اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے فتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے. کتنی ڈرنا ہے؟ دیکھو آسانی کتنی, کس چیز کا نام ہے؟ دین کے بارے میں آسانی سیکھو. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث یاد کر لو, سیدنا محمد, سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے دو اپنے یاروں کو عہدہ دیا, ایک کا نام ہے سیدنا ابو موسیٰ اور دوسرے کا نام ہے سیدنا معاذ. سیدنا ابو موسیٰ کو شام کا گورنر بنایا, سیدنا معاذ کو یمن کا گورنر بنایا. تاج گورنری پہنا کر روانہ فرما رہے ہیں عہدہ دے کر, تو ایک سوال کر دیکھیں, او میرے یارو یہ بتاؤ تم نے اپنی رعایا سے کیا سلوک کرنا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعلیم دیں. فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث میرے سامنے ہے, یسروا ولا تعسروا, بشروا ولا تنفروا. اپنی رعایا کے ساتھ آسانی کرو, سختی نہ کرو. کیا سکھایا؟ دین جو آسان ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ دین آسان ہے اور آپ بھی آسان بن جائیں. کتنی آسان بنے, دیکھیں آسان کام کریں تو آپ کو لوگ دیکھ کر انشاءاللہ مواحد ہو جائیں گے, مل کر مواحد ہو جائیں گے, آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر. سبحان اللہ, انتقامی ذہن چھوڑیں, نارمل ہو جائیں,
कितनी आसान बने। यशरू वला तो अशरू, ओ हुक्मरानों गवर्नरों इस तरह करो, अपनी रियाया से आसानी करनी है, सख्ती नहीं करनी। बशिरू वला तो नफिरू, खुशखबरी सुनाओ लोगों को, नफरत नहीं सुनानी। हमारा तो गुस्सा ठंडा नहीं होता, कोई कमजोर हमारे हाथ में आ जाए तो सारी बहादुरी के दाव उस पर इस्तेमाल करते हैं। अजीब बात है, तरबियत नहीं है, तालीम नहीं है। कुरान क्या सिखा रहा है? वला तो सौर खुद्दका लिन्नास। मैंने इस आयत से वाज शुरू किया है, इसी पे ख़त्म करते हैं ताकि बाकी वाज किसी और दूसरी मजलिस में। वला तो सौर खुद्दका लिन्नास, ए मेरे प्यारे महबूब, लोगों से बेरुखी ना करो। अल्लाह के महबूब ने दुनिया वालों को सिखाया, कुरान ने दावत का पैगाम पहुंचा दिया। वला तो सौर खुद्दका लिन्नास, कोई अरबी आए, अजमी आए, अल्लाह पर बीना है, नबीना है, आम सवता वल्ला अंजाहुल आमा, कोई गरीब आए, माजूर आए, या सरदार आए, ओहदेदार आए, कोई आए, किसी से बेरुखी नहीं करनी। सुभान अल्लाह, अब बेरुखी कैसे नहीं करनी। एक दिन महबूब करीम को पता चलता है कि पड़ोसियों का अल्लाह पर बच्चा बीमार है। आप पड़ोसी, वो पड़ोसी कौन है जो यहूदियों में मदीना मुनव्वरा में सबसे ज्यादा आपका मुखालिफ है? आपने उसके दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, जैसे दस्तक दी अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजा खटकाने वाला? आपने फरमाया आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहते हैं मन दखल बाब, कौन है दरवाजा खटकाने वाला? इधर से आप अपना इसमें मुबारक बताते हैं, जब बताते हैं तो वो अल्लाह अकबर आकर जल्दी से दरवाजा खोलता है। वो कहते हैं ये आपके सहाबी का घर नहीं है, ये आपके मुखालिफ का घर है। रहमत आलम फरमाते हैं ओ मेरे मुखालिफ, मैंने सुना है तेरा बच्चा बीमार है, मैं तो उसकी तीमारदारी के लिए आया हूं। दीन की आसानी देखो, जब आप नॉर्मल हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, फिर फवायद देखो, फायदा क्या हुआ? अब आप बच्चे के करीब पहुंचते हैं, दुआ देते हैं, अस्सलुल्लाह अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अय्यश्फियका ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह औज़ु बिकलिमातिल्लाह इत्तामाती मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। बच्चे को सकरात लगी हुई थी, आखिरी अल्लाह होकर वक्त में था, लेकिन बच्चा नॉर्मल हुआ, आंखें खोलकर मुस्कुराने लगा। उसकी माँ भी मुतासिर, बाप भी मुतासिर। हबीब करीम ने मौका पाया कि मेरे आने से अब फायदा तो हो कि मैंने सफर जो किया है, अल्लाह के रसूल क्या फायदा होगा? आप फरमाने लगे या वलद अकुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ बरखुरदार हो बच्चे, ओ छोटे मासूम, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं आपसे पूछता हूँ, महबूब तो यहूदी के घर में दीन की दावत पहुँचा रहे हैं, आप अपने घर में वीसीआर टीवी तो पहुँचा सकते हैं, अपने घर में गाने तो पहुँचा सकते हैं, फहाशी और केबलें तो लगा सकते हैं, लेकिन अपने घर में दावत दीन क्यों नहीं पहुँचाते? असल में कौलो फेल में तजाद है क्या? हाजी साहब सारी जिंदगी कमा कमा कर भेज रहे हैं, पीछे बेटे बेटियां फहाशी अयाशी अल्लाह अकबर बदमाशी और दो नंबर कामों में मसरूफ हैं। इसको कोई पता भी नहीं है, ये कमा कमा कर भेजते, जब जाता है फिर मकरूज होकर आता है, जब जाता है मकरूज होकर आता है। हिसाब होगा आपसे, पहले प्रोग्रेस तो चेक करो ना, पहले आपके पैसे ने उनको कितनी अल्लाह पर दुनिया में दीन से दूर कर दिया है, दुनिया ने हब दुनिया में मर गए हैं। प्रोग्रेस चेक करो,
यहूदी के घर में जाकर महबूब इतनी आसान है कलमा पढ़ा रहे हैं। अब जब काफिर के बेटे ने अल्लाह अकबर देखा, महबूब फरमा रहे हैं, क्या फरमाते हैं, अकुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उधर हाल ये बना वो बच्चा अपने बाप की तरफ देखने लगा। जब बाप की तरफ देखा तो वो कहने लगा, बेटा आते अबुल कासिम, अबुल कासिम कासिम के बाप की इताअत कर, यानी मोहम्मद करीम की। अब आपसे एक सवाल है, आपसे सवाल है कि वो काफिर का बेटा, यहूदी का बेटा, बिल्कुल बच्चा रसूल की इताअत करे तो आग से बच जाए, आपको क्या होता है? कौन सा अल्लाह अकबर मुसीबत आपको नजर आ रही है? आप तकलीद तो कर सकते हैं, रसूमात तो ले सकते हैं, बिदात तो ले सकते हैं, लेकिन आपकी पोजीशन ये है इत्तबाए रसूल नहीं करते। कभी आपने देखा नहीं कुरान में क्या है, हदीस में क्या है? आप अपने मौलवी की अल्लाह अकबर रस्म और रिवाज नहीं छोड़ दे, देखना देखना। अब हुआ ये, बच्चे ने कलमा पढ़ा, अल्लाह को प्यारा हो गया, हबीब करीम ने फरमाया, ओ यहूदी अब ये तेरी जमात का नहीं, मैं मोहम्मद की जमात का है। आसान बन जाओ, लोग आग से बच जाएंगे, आसान बन जाओ लोगों के। सुभान अल्लाह, यहूदी के बच्चे को गुसल भी दिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो यहूदी के बच्चे का जनाजा भी पढ़ाया, दुनिया वालों को सिखाया। आसान बनो, क्या बनो? आसान बनो, कुरान यही दावत दे रहा है, आसान बनो, नबी करीम भी यही दावत दे रहे हैं। सैयदना माज ने एक दिन इशा की नमाज आपके पीछे पढ़ी, फिर वही नमाज जाकर अपनी बस्ती वालों को पढ़ाई, इतनी लंबी किरात की। एक आदमी थका हुआ जिसने सारा दिन ऊँटों पे पानी ला ला कर बस्तियों में पहुँचाया है, वो मजदूर आदमी था, उसने नमाज छोड़कर अलग नमाज पढ़ ली। अब सहाबा में ये था कि जो नमाज छोड़ दे, जो सब बंदी से निकल जाए, तो उसके बारे में ताज्जुब करते थे। हमारे यहां तो कोई ताज्जुब नहीं है ना। सुबह बात चलने लगी कि मुसलमानों की सब बंदी से वो निकल गया, अल्लाह के महबूब की खिदमत में वो मजदूर आदमी पहुंचा, अल्लाह के महबूब रात मैंने अपने इमाम साहब सैयदना माज के पीछे नमाज पढ़ी है, उन्होंने किरात इशा की लंबी कर दी है, तो मैंने इस तरह मैं थका हुआ था, फरमाया अल्लाह के महबूब ने तालिया माज, प्यारे माज इधर आओ, कहो रज़ी अल्लाह तआला आए माद फतान, अंत मेरी जमात को आजमाइश में डालना चाहता है, मेरी ये गरीब जमात, अल्लाह के महबूब तालीम दें। फरमाया ख्याल करो, सुबह की किरात लंबी कर सकते हो, अल्लाह अकबर बाकी नमाजें पढ़ा सकते हो, लेकिन जब इशा का वक्त आए, सारा दिन मजदूरी करने वाले, सफ़र करने वाले, कारोबार करने वाले, दौड़ धूप करने वाले, इशा में थके हुए होते हैं, इसलिए फरमाया इशा के बाद फौरन सो जाओ ताकि सुबह तहज्जुद नसीब हो जाए, इशा के बाद फौरन सो जाओ, सुबह की नमाज तुम्हें नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह के महबूब ने सिखाया, इक्रा शम्स व وسبح اسم ربك الاعلى, एक रकू से ज्यादा कोई तिलावत इशा की नमाज में ना करे, क्योंकि महबूब करीम ने आसानी बता दी है, जब आप सुबह की नमाज में आओ तो जुमे का दिन हो तो सूरह सजदा पढ़ी जाती है, सूरह दहर भी दूसरी रकात में पढ़ी जाती है, लेकिन देखना दीन कितनी आसान। मैं समझता हूँ, मेरा ये नजरिया है और ये हमारा अकीदा है, दीन इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम क्या है? दीन फितरत है। इस्लाम ने हमारी तमाम ख्वाहिशात का ख्याल किया है। इस्लाम के अहकामात को देखें, इस्लाम के ऐलान को देखें, दीन के पैगाम को देखें, इन दीन युसरुन, आखिरी बात सुनो, वला तुसार खुद कलीनास, लोगों से बेरुखी ना करो, फिर क्या करना है, वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, दूसरी बात ये, तकब्बुर में ना रहो, ना तुम्हें अपनी दौलत पे घमंड हो, ना ओहदेदारी पे नाज हो, ना बिरादरी पे फख्र हो, ना तुम्हें अपनी सेहत पे, अल्लाह अकबर मैं बड़ा पहलवान हूँ, नहीं नहीं, ना अपने इल्म पे तकब्बुर करना है, बल्कि नहीं, अल्लाह जुजु फखरी
रहमती दुआलम ने फरमाया, मुझे अपनी अल्लाह की बारगाह में आजी करने पे फख्र है। किस चीज पे? देखना वाकुसिद फी मशयक, चाल हो ऐसी हो जिसमें एतदाल हो, वाकुजुज मिन सौतिक, आवाज हो उसमें मिठास हो। इसलिए समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। वला तुसर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा, ना लोगों से बेरुखी करो, ना जमीन पे तकब्बुर से अकड़ अकड़ कर चलो। इन अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह करीम हमें दीन की आसानी समझने की इस पे अमल करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। ज़रूरी और ख़ुसूसी दुआ है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मरकज़ दावा वल इरशाद खुबैब बुरैदा वाले तमाम मुंतज़मीन का, और ख़ुसूसन अपने भाई अबू मोहम्मद हफ़ज़हुल्लाह ताला का, आप सब भाइयों का जिन्होंने प्यार और मोहब्बत से मेरी बात सुनी और अल्लाह ताला का कुरान सुना, महबूब का फरमान सुना। और ख़ास दुआ करता हूँ अल्लाह सब के नेक इरादे कबूल फरमा, तमाम की नेक दिली तमन्नाएं आरजुएं मंजूर फरमा। अल्लाह इस मुमलिका सऊदी अरब को ता कियामत तक शाद व आबाद फरमा। या रब्बुल आलमीन जितनी मुसलमान मजलूम हैं उनकी मदद फरमा। या अल्लाह मुसलमानों में अमन और भाईचारा की अल्लाह फिजा कायम फरमा दे। हम सबको कुरान और सुन्नत अपना जेवर बनाने की तौफीक नसीब फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। बीमारों के हक में दुआ किया करें, अल्लाह जितनी बीमार हैं सबको सेहत कामला नसीब फरमा। फौशदगान मुसलमानों की मगफरत फरमा दे। या अल्लाह हमारी हाजिरी को हमारी बख्शिश का जरिया बना दे। व आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये थे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल रहीम कलीम हफ़िज़हुल्लाहु ताला, जो हमारी ये तरबियत फरमा रहे थे। ये दीन जो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया है, ये आसान दीन है, आसानी करने का हुक्म देता है। और उस वाक़िया के पस मंज़र में शेख ने ये मौजू रखा कि जिसके मुतालिक तकरीबन हमारे तमाम भाई वाकिफ़ हैं कि एक सानिया जो हमारे मुल्क में हुआ है कल, के 150 के करीब मासूम बच्चे जो हैं उन्हें जो है वो शहीद कर दिया गया। तो ये इस्लाम की तालीम और तरबियत नहीं है। इस्लाम ने तो हमें यहाँ तक सिखाया है कि मैदान जंग में भी अगर आप जाओ तो वहाँ पर बच्चों के साथ, औरतों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ तुमने नरमी बरतना है, उनके साथ तुमने लड़ाई नहीं करना। हमारा तो इस्लाम हमें ये सिखाता है। तो ये जो काम हुआ है ये काम किसी मुसलमान का नहीं है, तो इसके पीछे कौन है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है।
تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس دین رحمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شیخ محترم کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور الحمدللہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں اللہ کا قرآن بھی سنایا، اور اپنے مخصوص انداز میں کچھ باتیں جو پنجابی میں اور ان کی اپنی جو ایک لغت ہے وہاں کی ڈیرہ غازی خان کی، اس لغت میں بھی شیخ نے ہمیں کچھ باتیں سنائی ہیں۔ بہت سے ہمارے انڈیا کے بھائی، انہیں بعض اوقات یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن بڑی آسان باتیں تھیں، اگر توجہ کریں غور کریں تو وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو اگر سمجھ نہ آئی ہو تو بعد میں ہم ترجمہ کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ آپ سی ڈی لے جائیں، اور کسی چیز کا آپ کو پتہ نہ چلے تو آپ لے آئیں، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ مگر نہ بڑا آسان درس تھا، اور بڑی اچھی باتیں شیخ نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اپنے دین کا کام لے۔ ایک اور بات شیخ کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا، پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی، اگر کوئی اپنے شہر میں کہیں کسی جگہ شیخ کا درس رکھنا چاہیں تو شیخ محترم کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے، وہاں پر درس کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ ان سے ان کا نمبر بھی لے سکتے ہیں، آپ نے کبھی اپنے شہر میں اپنے علاقہ میں شیخ کا درس کروانا ہو تو شیخ کی خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں، اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں اور اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اپنے دین کا کام لے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ایک بات کی طرف شیخ نے جو اشارہ فرمایا اپنے درس میں، کہ ہم اپنے گھروں میں کتنا دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں دعوت کا کام نہیں ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہیں، ہمارے گھر والے وہ دین سے دور ہیں، ہم نے کبھی ان کو دین کی دعوت نہیں دی۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں علم بھی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ کرکٹ کھیلنا ٹھیک ہے یا برا کام ہے؟ ایک آدمی نماز وقت پر پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، مگر بات بات گالی دیتا، ہاں اچھا بات بات پہ گالی دیتا ہے۔ چلیں یہ دو سوال ہیں، نمبر ایک کرکٹ کھیلنا، میں یہ نہیں کہتا کرکٹ کھیلنا اچھا ہے یا برا ہے، ہر وہ کھیل جو آپ کو اللہ کی عبادت سے دور کرے وہ برا ہے، میں کوئی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ہر وہ کھیل جو آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کرے۔ اور کرکٹ صبح سے لے کر شام تک لگے رہتے ہیں، اور حالت یہ ہے ہماری کہ اگر عام حالات میں ہم نماز پڑھتے بھی ہوں تو میچ لگا تو ہم میچ دیکھیں گے، نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے میچ پہ پیسے لگاتے ہیں، جوا لگاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ اور ایک بات واللہ مجھے آج تک اس بات پر بڑی تکلیف، دکھ اور پریشانی رہتی ہے، اور میں نے اپنے درسوں میں کئی دفعہ اس بات کو بیان بھی کیا ہے کہ مجھے 11 ذوالحج کو ایک بھائی نے فون کیا، اور وہ بھائی یہاں موجود ہے کہ جس نے مجھے فون کیا تھا، 11 ذوالحج کو فون پر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ جی ہمارے کچھ دوست حج پر گئے تھے، حج پر وہ 10 ذوالحج کے جو کام ہیں وہ کر کے واپس ریاض پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی اصل میں وہ پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ تھا، وہ اس میچ کی وجہ سے وہ 10 ذوالحج کے سارے کام کر کے 11 ذوالحج کو وہ ریاض میں بیٹھے ہیں، حج ہو گیا۔ میں نے کہا ایسا ہوا ہے، آج تک ایسا کسی کا نہیں ہوا، ایسا حج ہوا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے یہ کرکٹ کہ جس کو لگ جائے تو اس کی تباہی اور بربادی کر دیتی ہے، کہ عبادت سے غافل کر دیتی ہے۔ اور اگر عبادت سے کوئی چیز غافل کر دے، ایسی چیز پر لعنت ہے۔ اور میں ٹائم نہیں ڈال، ورنہ میں اس کا پورا پوسٹ مارٹم کرتا، کبھی کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا دوسرا، ایک آدمی نماز وقت پر پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، مگر بات بات پر گالی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابھی بیٹھو بیٹھو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک عورت کے متعلق یہ بات پیش کی گئی، ایک عورت بڑی تہجد گزار، نمازی، عابدہ، زاہدہ، لیکن ایک معاملہ اس کا بڑا خراب تھا کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ جہنم میں۔ کیوں؟ اس کے برے اخلاق کی وجہ۔ ابھی شیخ صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں ہمیں یہی بتایا کہ مسلمان کا اخلاق
लोगों के साथ अच्छी बात करना। तो इस्लाम तो हमें नरम करता है, इस्लाम हमें गाली देने से रोकता है। और दूसरी तरफ एक औरत के मुतालिक कि उसकी कोई बहुत ज़्यादा नफली नमाजें नहीं हैं, उसके कोई बहुत ज़्यादा नफली सदकात खैरात नहीं हैं, लेकिन अखलाक इतना अच्छा था कि हर एक उसकी तारीफ़ करता है, फरमाया जन्नत में चले गए। तो लिहाजा ये जो गालियाँ देता है उसको चाहिए कि गालियाँ ना दिया करें, अपने अखलाक को ठीक करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम अहबाब का भी बहुत शुक्रिया कि आपने सुकून के साथ बैठ कर इस प्रोग्राम को सुना है। जज़ाकुल्लाह खैर। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।